और यूक्रेन का युद्ध पिछले एक साल से सुर्खियां बना है। करीब 10 महीने पहले फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ये युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन जल्द से जल्द सरेंडर कर देगा, लेकिन यूक्रेनी सेना ने शानदार तरीके से रूस का सामना किया और पुतिन के सामने डट कर खड़े रहे। ऐसे में जिस तरीके से युद्ध बढ़ रहा है, दुनिया इस पर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया में महंगाई आई। हालांकि इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति पिछले 10 महीने में पहली बार अपने विदेशी दौरे पर हैं। बुधवार को जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे। आपको बता दें कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो रूस का जानी दुश्मन हमेशा से रहा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने, और उन्होंने कांग्रेस के सांसदों को वहां संबोधित भी किया। बाइडेन ने जेलेंस्की के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन को लगातार समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका अतिरिक्त $1.8 बिलियन के सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में कीव को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेगा, जिससे वो रूस के सामने खड़ा रह सके। जेलेंस्की ने अमेरिका को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यूक्रेन इस जंग में सरेंडर नहीं करेगा और वो रूस पुतिन को उनका मुंहतोड़ जवाब देगा। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सबसे पहले अपने बयान में जेलेंस्की से कहा, रूस के साथ युद्ध चाहे जितना लंबा चले, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। वो कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। 10 महीनों की जंग में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है। रूस की नाराजगी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकियों के बावजूद अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के साथ अमेरिका हमेशा खड़ा रहेगा, तो इसके जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन सभी बाधाओं के खिलाफ खड़ा है और अगले साल संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट की भविष्यवाणी की। यूक्रेन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा और उसे हथियारों की जरूरत है। हमारे पास तोपे हैं, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? ईमानदारी से कहूं तो नहीं। रूसी सेना को पूरी तरह पीछे हटाने के लिए हमें और तोपों और गोलों की जरूरत है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से मांग कर दी कि अभी उन्हें और ज्यादा तोप, गोले, बारूद चाहिए, जिसकी वजह से वो रूस का सामना कर सके। आपको बता दें कि पिछले 10 महीने से इस युद्ध ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया में पड़ा है। ऐसी चिंताएं भी हैं कि यूक्रेन के कुछ सहयोगी युद्ध में पानी की तरह बहाए जा रहे पैसों, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर शंका में हैं। लेकिन बाइडेन ने इस तरह की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन के लिए समर्थन की एकजुटता को देखकर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और लगातार वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे ताकि रूस को वो जवाब दे सके। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यूक्रेन आगे रूस का सामना करता है। लेकिन अमेरिका पहुंचकर बाइडेन से मुलाकात करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। अब देखना यही होगा कि ये युद्ध कब रुकता है और कौन जीतता है।